एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट्स सीक्स शॉर्ट्स क्या होता है बैंजो क्या होता है बैंजो क्या होता है बैंजो दोस्तों बाबा रामदेव पतंजलि और बालकृष्ण से जुड़ा हुआ मामला तो आप जानते ही होंगे। एक भ्रामक विज्ञापन छापा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, अदालतों ने मना किया था, उसके बावजूद ना पतंजलि माना ना रामदेव माने ना बालकृष्ण माने। इस बार ऐसी लगाम खींची गई है कि बाबा रामदेव जो दिन रात योगा करते हैं, अपने चेहरे पर तेज का दावा करते हैं, उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। बालकृष्ण कुछ पहले भी नहीं बोल पाते थे, इस बार तो बिल्कुल ही चुप्पी साध कर बैठ गए। यानी एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट से हर सुनवाई पर फटकार पड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच हैरानी तब हुई जब एक नेशनल चैनल के बड़े पत्रकार ने खुल्लम खुल्ला गाली दे दी। जी हां, यह उनके ही चैनल पर प्रसारित हुआ कि बाबा रामदेव के इस पूरे मामले को लेकर जब वो कर रहे थे रिपोर्टिंग, ठीक उसी वक्त ऑन एयर यानी कैमरा ऑन था, स्टूडियो में लाइव चल रहा था, एंकर उनको सुन रही थी और अचानक से वो गाली गलौज पर उतर आए। आज मैं पूरा मामला आपको दिखाने जा रहा हूं कि रामदेव के इस मामले में ये गाली कांड कैसे होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। वैसे ये नई बात नहीं है कि जब जो अपने आप को घनघोर राष्ट्रवादी बनते हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि देश सबसे पहले, वो बताते हैं कि कैसे संस्कार होने चाहिए, वो नेताओं से लेकर तमाम अलग अलग लोगों को बताते हैं बोलने का, बात करने का, बैठने का, खाने पीने का सलीका, वो कितने ज्यादा अपने ही स्तर से गिरे हुए हैं। ये कई बार हो चुका है। कभी कभी कहा जाता है ये तो भाई गलती से हो गया, कोई चैनल मतलब जब लाइव बैठा हुआ उस समय सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, कोई गाली देते हुए। हमारे यहाँ डिबेट में तो वैसे भी अब ये संसदीय भाषा हो गई है, मानकर चलिए। वो क्यों हुई है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो आज ताजा मामला है वो रामदेव के मामले से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट्स सीक्स शॉर्ट्स क्या होता है बैंजो। तो ये वीडियो है, दरअसल ये CNN के रिपोर्टर है, CNN IBN के और न्यूज 18 के, आप देख भी रहे हैं अंग्रेजी न्यूज चैनल है उनके, उसके रिपोर्टर हैं। माफी चाहूंगा, जो आपने लंबी बीप की आवाज सुनी थी ना, ये वही संसदीय शब्द हैं। मैं बार बार संसदीय शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे जाकर आपको बताऊंगा ये हो कैसे गया है। दरअसल बीप हम नहीं सुना सकते, लेकिन फिलहाल ये रामदेव को लेकर कर रहे थे रिपोर्टिंग। रामदेव का पूरा मसला, सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुनवाई हुई, कैसे कैसे फटकार पड़ रही है, विज्ञापन भ्रामक विज्ञापन छापने पर कैसे सुप्रीम कोर्ट सख्त है, कैसे बाबा रामदेव को लगा था कि उन्होंने अखबार में छोटा सा माफीनामा दे दिया है उससे सुप्रीम कोर्ट की जज खुश हो जाएंगी, कहेंगी चलिए अब माफ कर देते हैं, अगली बार मत करिएगा, लेकिन बार बार उन्हें फटकार पड़ रही है। इसी को लेकर जबरदस्त रिपोर्टिंग चल रही थी, अंग्रेजी में ये बोल रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन एक शब्द इधर से उधर हुआ तो ये लाइव ही गाली गलौज पर उतर आए। एक बार फिर से सुनिए, लेकिन माफी चाहूंगा, इनके संस्कारों को मैं पीप के साथ ही सुना पाऊंगा। एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट्स सीक्स शॉर्ट्स क्या होता है बैंजो। तो सचिन गुप्ता, उन्होंने लिखा कि लाइव परफॉर्मेंस ऐसी है तो ऑफ कैमरा कैसी होगी। दरअसल आपने देखा भी, जब उन्होंने ये प्रदर्शन किया, जैसी बीप की आवाज आती है उसके फौरन बाद ही कट लग जाता है और एंकर आ जाती है, और एंकर भी पूरी तरीके से उनका चेहरा भक्क बढ़ गया था सफेद की, भाई ये क्या बोल दिया इन्होंने। ये सारी चीजें हुई हैं। अब मैंने कहा ना कि जो इन्होंने कहा वो संसदीय कैसे है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले साल नई संसद की नई इमारत का उद्घाटन हुआ था और उसके बाद कार्रवाइयां चल रही थी संसद की जो चलती है, उसमें रमेश भिदुड़ी जो मोदी जी के लाडले सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली से आते हैं, रमेश भिदुड़ी ने वहीं खड़े होकर बीएसपी के मुस्लिम सांसद दानिश अली, जिन्हें बीएसपी ने बाद में अपनी पार्टी से बाहर कर दिया, उन दानिश अली को गालियां दी थी, धमकी दी थी। उसके बाद लगने लगा था कि उसी दौर में जब तमाम विपक्षी पार्टी के सांसदों को सिर्फ मोदी जी से सवाल पूछने या आलोचना करने के एवज में लोकसभा अध्यक्ष से लेकर राज्यसभा के सभापति तक संसद से बाहर फेंकवा रहे थे, तो ऐसे में हो सकता रमेश भिदुड़ी के इस घिनौने बयान के बाद कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन लोकसभा के स्पीकर यानी कि ओम बिरला ने उन्हें डांटा था, फिर पुचकार का बिठा दिया था कि लाडले आज के बाद गलती मत करना। मैं उस दिन से ही समझ गया हूं कि इस देश के अंदर जो कुछ रमेश भिदुड़ी ने संसद में बोला था वो संसदीय भाषा हो गई है, क्योंकि उसके बाद उसी वक्त ठीक पीछे रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन जो पूर्व
केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, दोनों हंस रहे थे। यानी कि उनको पता था ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, ठाके लगा रहे थे, जबकि रमेश भिदुड़ी गाली दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे दानिशरी को। अब ऐसे में जब संसद के अंदर, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होती हैं, वहां पर किया जा सकता है। ये तो एक चैनल है, एक चैनल के अधने से रिपोर्टर है जिन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया। ये बाबा रामदेव की खबर से जुड़ी हुई खबर थी, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा। वीडियो एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट्स, सीक्स शॉर्ट्स क्या होता है? ओह ऑलराइट, वी विल गेट बैक टू दैट इन अ बिट। देखिए, मैं इसको बहुत बड़ी आपत्ति के तौर पर भी दर्ज कराता हूं और आपत्ति के तौर पर भी नहीं लेता हूं। दो चीजें होती हैं, लेकिन आदमी का काबू जब अपने पर नहीं होता तो यही होता है। इससे पहले आपने किसान आंदोलन के दौरान, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, इंडिया न्यूज चैनल था एक, है ऐसे पत्रकार जो उछल कूद पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, रिपब्लिक में थे, और रिपब्लिक टीवी के वो पत्रकार जब आए इंडिया न्यूज में, तो किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने कह दिया था लाइव सैटेलाइट चैनल पर बैठकर, उन्होंने ये कह दिया एंकर महोदय ने कि इस देश के किसान इस देश के कानून को क्या समझते हैं, मैं बता नहीं सकता हूं ना। ये पूरी देश ने देखा है, पूरी दुनिया देखती है कि हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश के एंकर किस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए भी हो गए ना, कई सालों तक आप एक ही राग, एक ही ढपली बजाते रहे, एक ही चीज बोलते रहे, जबकि अगर आप निष्पक्षता पर रहते तो आपको नई चीजें, ताजगी भी मिलती। क्योंकि हमारा काम जो होता है ना पत्रकारों का, हमेशा सरकार से सवाल करना है। मैं आज राहुल गांधी से सवाल कैसे पूछ लूंगा, क्यों पूछूं, क्या वो सत्ता में है? नहीं। हाँ, मोदी से सवाल पूछने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आपको उनका राग गाना होगा। अमित शाह से सवाल मत पूछिए, पूछिए आप अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से, हेमंत सोरेन से, अरविंद केजरीवाल से, इन लोगों से सवाल पूछा नहीं जाएगा। और जब आप अपने ही पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, और वो पत्रकार, वो जो एंकर है, वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि कब तक इनको सपोर्ट किया जाए। तो ये तमाम जो अभी मैंने सुना है, ये वो किसान आंदोलन के वक्त वो व्यक्ति जो छलकूद पत्रकारिता का जनक है, उसने जो किया, ये सारी की सारी चीजें बताती हैं इस देश के अंदर कि अब पत्रकार भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बीच बीच में मैं आपको फिर से वो वीडियो दिखाई देता हूँ, वीडियो देखिए। एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट्स, सीक्स शॉर्ट्स क्या होता है? मैं इसको गलती तो मानता हूं, क्योंकि भाई देखिए, आप इतने सीनियर हैं, कोई छोटे मोटे पत्रकार तो नहीं लग रहे कि कल ये आए हैं, इंटर्न है, उन्हें खड़ा कर दिया गया है। बड़े पत्रकार हैं, मालूम ही होगा, लाइव थे ये एंकर, इन्हें सवाल पूछ रही है, सवाल पूछ रही है, उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब देते वक्त आप इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ये अपने आप में बताता है कि गलती तो हुई है, लेकिन ये आपके आचरण में होगा, ये आचरण में है। इसीलिए जल्दबाजी में क्या होता है ना, कभी कभी गलती होती है तो हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कुछ लोग गालियां देकर गुस्सा निकालते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से, तो ये उनकी भाषा शैली हो सकती है। गलती, एक गलती पे उन्होंने जो ऑफ कैमरा करते हैं वही ऑन कैमरा कर दिया। लेकिन हैरानी वाली बात और सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि पूरा मसला रामदेव की सुनवाई से जुड़ा हुआ चल रहा था। यानी कि जो सवाल पूछे जा रहे थे रामदेव बाबा के मामले से जुड़े हुए पूछे जा रहे थे, और उसी दौरान इन पत्रकार महोदय के मुंह से इस तरह की शब्दावली निकली, वो बात अलग है कि चेहरा उनका भी उतर गया, एंकर का, वो भी समझ नहीं पाएंगे ये हुआ क्या। खैर, कुल मिलाकर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है हमारे देश का मीडिया। नमस्कार।